नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त बर्जे, तो स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डेली जॉब अपडेट 24x7 पे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं हर रोज़ आपके लिए डिफरेंट सोर्सेज से वैकेंसी लेके आता रहता हूं, इसलिए दोस्तों मैं आज एक बार फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी लेकर हाजिर हूं। तो दोस्तों आपसे मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, आपको कैसे अप्लाई करना है, वो सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं नोटिफिकेशन के बारे में और जानते हैं क्या है खास आप लोगों के लिए। दोस्तों ये जो भर्ती निकल रही है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से निकल रही है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग कंपनी है, जो आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, जिसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में स्थित है। बात करें कैटेगरी ऑफ पोस्ट की, तो दोस्तों भर्ती आपकी ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए निकाली गई है। इसमें नंबर पोस्ट आपकी 5 रहेंगी और रिजर्वेशन आप कह दे सकते हैं। जनरल के लिए 3 सीट आरक्षित है, ओबीसी के लिए 1 और शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट आरक्षित है। अपर एज की बात करें तो यदि आपकी मैक्सिमम एज 25 साल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो दोस्तों आपको रिलेवेंट फील्ड में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों आपका ये किस फील्ड में एक वैकेंसी निकली है इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। और दोस्तों रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और दोस्तों बात करें आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की, तो दोस्तों आपका इनिशियली 1 साल के लिए रिक्रूटमेंट किया जाएगा, इसके बाद आपका 7.5 साल, 1-1 साल, 3 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। सैलरी की बात करें आपको पहले, दूसरे और तीसरे साल में सैलरी 25,000, 28,000, 31,000 दी जाएगी, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की, आपके लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशन इसमें रखी गई हैं। दोस्तों यदि आपने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच में फर्स्ट क्लास पास किया है, तो आप तभी इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो दोस्तों यदि आपके पास मिनिमम एक साल का आपके पास पावर प्रोजेक्ट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। और दोस्तों अदर एक्सपीरियंस आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ें और बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, दोस्तों आपका इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होना है। आपको बता दूं आपका सिलेक्शन पूरी तरह से क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा। आपके जितने एकेडमिक क्वालिफिकेशन मार्क्स आए हैं उसका 75% वेटेज रहेगा और रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन के लिए आपका 10% वेटेज रहेगा। इसके बाद आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। इंटरव्यू में आपका 15% मार्क्स आपको मैक्सिमम प्राप्त हो सकेंगे। आपको अप्लाई कैसे करना है, दोस्तों अप्लाई करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड भी वहां से कर सकते हैं। अब बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन की, दोस्तों लास्ट आप 2 अगस्त 2020 तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं और फॉर्म स्टार्ट होने की डेट 22 जुलाई 2020 है, मतलब आप 22 जुलाई से 2 अगस्त तक इसका आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप ये नोटिफिकेशन में आराम से पढ़ सकते हैं। अब बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, और अदर कैटेगरी लाइक एससी एसटी कैटेगरी को इस पेमेंट से निःशुल्क रखा गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों के लिए बस इतना ही। मैं अगले वीडियो में एक नए जॉब डॉक्यूमेंट के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।